नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे राहुल गांधी से पुलिस ने की धक्का मुक्की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया अलोकतांत्रिक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सुशासन की दिशा में बड़ा फैसला, बदले 13 जिलों के प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत को जयपुर की कमान। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सरकार नहीं लगा पा रही ऐसी घटनाओं पर अंकुश। और राजस्थान हाईकोर्ट से अभिभावकों को मिली अंतरिम राहत, 9 अक्टूबर तक फीस वसूली पर लगाई रोक, मामले की अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को। हाथरस पीड़िता की मौत के बाद अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से काफिले के साथ निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस वे पर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले राहुल गांधी की पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प हो गई। राहुल ने कहा कि पुलिस ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। राहुल ने मीडिया से कहा कि पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने पुलिस वालों से अकेले जाने देने की अपील की, लेकिन पुलिस ने उनका यह आग्रह भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि अकेले आदमी पर धारा 144 तो लागू नहीं होती है। राहुल ने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि देखो पुलिस ने कैसे मुझे धक्का दिया, मुझ पर लाठीचार्ज किया और जमीन पर गिरा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में सिर्फ मोदी जी ही घूम सकते हैं, क्या आम आदमी कहीं आ जा नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, हमारी गाड़ी रोक दी गई इसलिए हम पैदल चलने लगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस की ओर से की गई बदसलूकी की निंदा की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस में पीड़िता के परिवारजनों से मिलने जा रहे थे। यूपी पुलिस ने दोनों को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई ज्यादती के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में अम्बेडकर सर्किल पर धरना एवं प्रदर्शन किया। उन्होंने ऐसी घटना को निंदनीय बताया। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को लेकर गुजरात सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि मजदूरों को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किए बिना अतिरिक्त काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति बुरी हो गई है, ऐसे में मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं दिया जाना इसका एक कारण हो सकता है। साथ ही शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल से लेकर 20 जुलाई तक के ओवरटाइम का भुगतान करने का भी आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, मजदूरों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ा। पीठ ने कहा कि कानून का प्रयोग जीवन के अधिकार और मजबूर श्रम के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए ओमान के साथ एक अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए ओमान के साथ एक अलग द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। दो देशों के बीच एक एयर बबल के समझौते के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में एक दूसरे के क्षेत्र में अपनी एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जा सकता है। हरदीप पुरी ने ट्वीट कर कहा कि यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और ओमान के बीच उड़ानों के लिए द्विपक्षीय एयर बबल की व्यवस्था हो गई है। यह व्यवस्था करने वाला ओमान 16वां देश बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पराली जलने से प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस मसले पर एकजुट होकर काम कर रही हैं। इस वर्चुअल मीटिंग में राजस्थान की ओर से वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भिवाड़ी और भरतपुर को GRAP क्षेत्र से बाहर रखने की पुरजोर मांग की। वन मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की वजह से कोई प्रदूषण नहीं है, इसलिए उसको GRAP में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात पहले प्रेजेंटेशन हुआ, प्रेजेंटेशन में एक बात सामने आई कि पिछले कुछ सालों से जो लगातार सभी राज्यों के प्रयास चल रहे हैं और केंद्र ने जो बहुत सारे पहल किए हैं उसके कारण हवा के अच्छे दिन ये
2016 में 108 होते थे, अब 182 बन गए पिछले साल। और खराब दिन जो 246 होते थे 2016 में, वो पिछले साल 183 तक रह गए। अंबिकापुर प्रशासन ने कोरोना प्रसार को रोकने के लिए सरगुजा में 8 दिन का लॉकडाउन लगाया था। प्रशासन जिले में लॉकडाउन को पूरी तरह लागू करने में नाकाम रही। जिला प्रशासन के 8 दिन लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन के तहत सभी प्रतिष्ठान और सीमाएं सील कर दी गई थी। 8 दिन के लॉकडाउन के बाद जिले में सभी संस्थान और केंद्र खुले। गौरतलब है कि सरगुजा में अनलॉक के दौरान कोरोना संक्रमण ना के बराबर था, इसके बावजूद प्रशासन ने 8 दिन का लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन में कोरोना कम होने की बजाय तेज गति से और फैल गया। प्रशासन की ओर से हर बार लगाए गए लॉकडाउन में प्रशासन सफल नहीं रहा। रात को मास्क लगाना ही है। अच्छा। और शवम को भी मास्क लगाना है। अच्छा। और तीन स्टाफ होना चाहिए, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। उनमें कोई फायदा मेरे को महसूस नहीं हो रहा है। लॉकडाउन के चलते हमारा दुकान का किराया लग रहा है, लेबर का तनख्वाह लग रहा है, मेरे को लग रहा है कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे हम खबर देखते हैं, मेरा नाम रामकिशन अग्रवाल। कई सुरक्षा की दृष्टि से कोई मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए जी, और दुकान उकान अभी टाइम पर खोलने के लिए, और सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। और जैसे जैसे बहुत दिन बाद निकल रहे हैं सब, तो मार्केट तो बहुत निकल रहे हैं, सोशल तो जरूरी चाहिए। तो क्या नाम लिखते हैं? राज्य सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए 13 जिला प्रभारी सचिव को बदला है। इससे पहले सरकार ने हाल ही में प्रदेश प्रभारी मंत्री बदले थे। सुबोध अग्रवाल को जयपुर से हटाकर उदयपुर में जिला प्रभारी सचिव बनाया है। उनकी जगह अब भास्कर ए सावंत को जयपुर का जिला प्रभारी सचिव बनाया गया है। वहीं कुंजीलाल मीणा को जिला प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। भिलवाड़ा में डॉक्टर आरुषि मलिक, भरतपुर में आनंद कुमार, सवाईमाधोपुर में प्रेमचंद बेरवाल, बीकानेर में आलोक गुप्ता, श्रीगंगानगर में भंवरलाल मेहरा, हनुमानगढ़ में हेमंत गेरा और पाली में डॉक्टर समीर शर्मा को जिला प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वे MMIT में पत्रकारों से मुखातिब हुए। जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने पत्रकार वार्ता की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी दी। कृषि विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 6 साल से किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों का भविष्य सुधारने के लिए उनको मुक्ति दिलाई गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि न तो हमने MSP को खत्म किया है, न हमने APFC क्या मंडी को खत्म किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल किसानों को भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस से सवाल पूछे कि कहां MSP कम हो रहा है, अब MSP तो बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वे किसानों को भ्रमित कर रही है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, मौजूदा भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। भाजपा ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 10 दिनों में राजस्थान में जिस प्रकार शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के आधार पर यही कहा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कोई जिला वंचित नहीं बचा जहां दुष्कर्म की घटनाएं नहीं हुई। विधायक शर्मा ने कहा कि राजधानी के पास आमेर की घटना हम सबको शर्मसार करने वाली है। इसके अलावा सीकर, अलवर, बारा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 3 विदेशियों के साथ दुष्कर्म की घटना, यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर की दुष्कर्म की घटना हम सबको शर्मसार करती है। राजस्थान की सरकार इन घटनाओं पर अंकुश लगाने का काम भी नहीं कर पा रही है। पिछले 10 दिन में राजस्थान में जिस प्रकार की शर्मसार करने वाली घटनाएं घटित हुई है, और इन घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान का एक भी जिला ऐसा वंचित नहीं बचा कि जहां दुष्कर्म की घटनाएं नहीं घटी हो। और जिस तरीके से राजस्थान में राजधानी के पास में आमेर की जो घटना घटित हुई वो हम सबको शर्मसार करती है, सीकर की घटना, उसके बाद थोड़े दिन पहले अलवर की घटना, बारा के अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना, 3 विदेशी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना, और यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत जी के गृह जिले जोधपुर की घटना भी हम सबको शर्मसार करती है। और राजस्थान की सरकार इन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम भी नहीं करी, और ना इन दुष्कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मादा भी नहीं दिखा रही। मैं चाहूँगा कि राजस्थान सरकार
तत्काल इस प्रकार के मामलों के अंदर अविलंब इन्वेस्टिगेशन करके इनका कोर्ट में चालान पेश करके और विशेष न्यायालय का गठन करके और इनको जल्दी से जल्दी सजा देने का काम करें तो मेरे ख्याल से आम जन के अंदर ये विश्वास पैदा होगा। लेकिन सरकार ऐसा करने में भी वो कमजोरी ही दिखा रही है, कोई ताकत दिखाने का काम नहीं कर रही। प्रदेश कांग्रेस कृषि कानून के विरोध में प्रदेश भर में गांधी जयंती के अवसर पर धरना प्रदर्शन करेगी। कृषि कानून को लेकर राजधानी जयपुर में मुहाना मंडी पर कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। यह धरना प्रदर्शन सभी जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। स्कूल फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से अभिभावकों को राहत मिली है। सीजे इंद्रजीत महंती की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट मामले की अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी। एकलपीठ के फैसले पर रोक लगने से स्कूल संचालक अब अभिभावकों से फीस वसूली नहीं कर सकेंगे। सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि आज के आदेश से अब राज्य सरकार के 7 अप्रैल और 9 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश प्रभावी हो गए हैं। इसके तहत अब कोई भी स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल नहीं कर सकती है। देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियों में सितंबर में लगातार दूसरे महीने में सुधार हुआ है। एक मासिक सर्वे के अनुसार नए ऑर्डरों और उत्पादन में बढ़ोतरी से सितंबर में विनिर्माण गतिविधियां करीब 8.5 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। IHS मार्केट इंडिया का विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक सितंबर में बढ़कर 56.8 पर पहुंच गया। अगस्त में यह 52 पर था। जनवरी 2012 के बाद यह PMI का सबसे ऊंचा स्तर है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।